गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको इस ऑनलाइन क्लास में सप्तम पाठः संकल्प सिद्धिदायक पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको ये इसका हिंदी अनुवाद बताया था, अब उससे आगे का बताने जा रही हूँ। संकल्प सिद्धिदायक का मतलब मैंने समझाया था, संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चय या इरादा, सिद्धिदायक ऐसा इरादा जो सफलता देने वाला हो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था, तो दोबारा देख आगे देखिए बच्चों। विजया झटती अगछत, विजया जल्दी से आती है। सहसैव रूप धारी शिवा तत्र प्रवेशतः, अचानक ही ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया कौन थी? पार्वती माता की सखी, मेरी सहेली विजया। बटो ब्रह्मचारी स्वागतम ते, स्वागत है तुम्हारा। ओ बिशतु भवान, आप बैठो। इयम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप करती हैं या कर रही हैं। बटो ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या कारण क्या क्रिया है, पूजा उपकरण की क्या, पूजा विधि की क्या क्रिया है कि क्या क्या है पूजा करने के लिए क्या है क्रिया है। स्नार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल मिलेगा। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानसि एव शरीरम अध खलु धर्म साधनम, क्या तुम जानती हो कि शरीरम अध खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही निश्चय ही शरीर ही धर्म का साधन है, कि यदि स्वस्थ शरीर होगा वही तभी धर्म को साध सकते हैं। रिपीट कर रही हूँ, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, पूजा के उपकरण के लिए सामान है, क्रियार्थम क्रिया के लिए पूजा उपकरण की का सामान है। स्नार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु न जानसि एवं शरीरम अध खलु धर्म साधनम, क्या तुम नहीं जानती हो कि शरीर निश्चय ही शरीर के लिए अच्छे शरीर के लिए धर्म साधने के लिए शरीर आवश्यक होता है। पार्वती तुष्णिम, धर्म साधना के लिए साधन के लिए शरीर अध स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, यह शरीर होना चाहिए। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठती है। पटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी किमर्थम तपसी, किस लिए तप के लिए तपती हो, मतलब कठिन तपस्या करती हो। शिव के लिए यहाँ शिव में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी कि संप्रदान के लिए, तो शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुपचाप बैठती है। विजया आकुल आकुलता से, आम हाँ, तस्मयी एव तपः तपति, उसके लिए तप के लिए उसी के लिए तप करती हो। बटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चे उपहसिति, ब्रह्मचारी रूप धारण किए शिव अचानक ही ऊंचे स्वर में हंसते हैं। बटु अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव मेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, सत्य ही तुम शिव को पति रूप में पाना चाहती हो, कि पाने की क्या करती हो, उपहसन उपहास करते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से ही शिव है, शिव मीन्स होता है मंगलकारी, के नाम से ही शिव है यानी कि मंगलकारी है। अन्यथा अशिवः, वह तो कैसा है, अमंगलकारी, अशिव मीन्स अमंगलकारी। यहाँ शिव से तात्पर्य है, शिव का मतलब होता है मंगलकारी, अशिव का मतलब होता है अमंगलकारी। उपहास करते हुए बटु क्या बोलते हैं कि नामना शिवः, नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिव अमंगलकारी है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यश त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्र चर्म अंगराग
चिताभस्म परिजनश्च भूतगणः किं तमेव शिवं पति इच्छसि। जिसके तीन नेत्र हैं और वस्त्र के रूप में बाघ की चमड़ी को धारण किए हुए है, अंगराग चिताभस्म और अपने अंग पर चिता की भस्म का लेप किया हुआ है। परिजनश्च भूतगणा और उस भूत प्रेत उनके परिजन हैं, परिवार के लोग हैं। परिजनाश्यम ही होता है, परिवार के लोग हैं। किम तमेव शिवम पति इच्छति, उसी शिव की क्या उसी शिव के को पति के रूप में चाहती हो, इच्छा करती हो, मतलब वो कैसे हैं, शमशान में रहते हैं, जिनके तीन नेत्र हैं और बाघ के चमड़े के वस्त्र पहनते हैं, से बने हुए चमड़े को अंग पर धारण करते हैं और शरीर के अंग पर चिता की भस्म का लेप करते हैं और भूत प्रेत उनके क्या हैं, परिवार के लोग, क्या उन्हीं शिव की पति के रूप में इच्छा करती हो पार्वती। क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होती हुई, अरे बाचाल में ज़्यादा बोलने वाले, अरे बाचाल अप्सरा दूर हट जाओ, अप्सरा में दूर हटो। जगति न को अपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो, वैसे ही बोल रहे हो। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, रिपीट करती हूँ दोबारा, मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी और दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। देखिए, विजया झटति अगच्छत, विजया जल्दी से आती है। सहसैव बटु रूपधारी शिव तत्र प्रवेशत, अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजय बटो ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, स्वागत है तुम्हारा। उपविश्यतु भवान, आप बैठो। भवान मीन्स क्या था, आप। उपविश्यतु मीन्स बैठो, आप बैठो। इयम ते, अयम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप करती हैं। बटुः ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजा क्रम उपकरण वर्तते, क्या पूजा के लिए, पूजा करने के लिए है, क्या पूजा करने के लिए उपकरण में, पूजा के लिए फूल सामग्री है। स्नार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, स्नान के लिए जल आसानी से मिल जाएगा। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। तो हम तो जानासी एव, क्या तुम नहीं जानती हो कि शरीरम अद खलु धर्म साधना है, शरीर ही धर्म का साधन है। खलु मन निश्चय ही यही, शरीर ही धर्म का साधन है, अर्थात कि शरीर स्वस्थ है तो हम कोई भी धर्म का को कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। पार्वती तुष्णीम तिष्ठती, पार्वती चुपचाप बैठती है। बटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी किमर्थ तप तपस्वी सिवाय, हे तपस्वी किस लिए तप कठिन तप करती हो, शिव के लिए सिवाय में शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठती, पार्वती फिर से चुपचाप बैठती है। विजय आकुलता से आम हा तस्मै एव तपह तपति, उसी के लिए तप करती हैं। बटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चे उपहसति, ब्रह्मचारी के रूप को धारण किए हुए शिव अचानक ही ऊंचे 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 स्वर में उपहास करते हैं। बटु अयि पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि, सत्य ही तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो, कि पति की इच्छा करती हो। उपहास करते हो, यानी कि मजाक उड़ाते हुए। नामनः शिवः, नाम से ही शिव हैं, अन्यथा अशिवः, नाम से ही मंगलकारी हैं, अन्यथा वह अमंगलकारी हैं। शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके तीन नेत्र हैं। वस्त्रम बाघ्र चमड़ा, बाघ का वस्त्र के रूप में बाघ के चमड़ी को धारण करते हैं।
चमड़ी को पहनते हैं, अंगराग चितावशम अंग पर चिता की भस्म का लेप करते हैं, परिजनश्च भूतगणः और भूत प्रेत उनके परिवार जन हैं। किम तमेव शिवम वतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होती हैं, क्रोधित होती हैं। अरे बाचाल बाचाल मीन्स ज़्यादा बोलने वाले, अरे बाचाल ज़्यादा बोलने वाले अप्सरा हटो। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा तुम असी तथे बदसी, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और लास्ट ऑनलाइन क्लास का हिंदी अनुवाद किया होगा ये भी, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वह भी आप अपनी नोटबुक में नीटली वर्क करोगे, संस्कृत और हिंदी लिखकर नीटली करना बेटा। तो कैसे करोगे, जैसे नाटक में दे रखा है, जैसे एक एक वर्ड्स का दे रखा है, वैसे पहले संस्कृत लिखोगे फिर उसके बाद हिंदी लिखोगे। और बच्चों डेट डाल के और टॉपिक डाल के वर्क करा करो, ठीक है बच्चों? धन्यवाद।